में भी चाहता मैं तो चाहता किए जो भी आते हो पांडव तो जाते हो ना एक शांति स्तंभ
जिम्मेवार खड़ा बना शांति, वेलकम टू ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है 11वां दिन। स्मृति स्वरूप दीदी मनमोहिनी बाप समान मर्यादा पुरुषोत्तम अलौकिकता। मेरी स्मृति अलौकिकता है और मेरा स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो जो परमात्म मर्यादाओं पर चलते हैं। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। तत् त्वम् बाप समान भाव। ओम शांति एवरीवन। शांति आप सबको। इट हैड बीन वेरी गुड थॉट फॉर अमृत वेला। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प रहे अमृत वेला के समय और अभ्यास के समय और साथ ही चिंतन में रात के लिए, तो ये सही में हमको मदद कर रहा है आंतरिक रीति से, ताकि हम निरंतर रहे अपने पुरुषार्थ में। मुझे लगता है कि हम सब मर्यादा ये शब्द से बहुत ही हम इसको पहचानते हैं। जब बाबा कहते हैं कि आपको क्या बनना है, 16 कला पवित्र संपूर्ण निर्विकारी सारे गुण, और फिर होता है मर्यादा पुरुषोत्तम। सबसे ऊंचा व्यक्ति वह होता है जो सारे मर्यादाओं पर चलता है। वास्तव में हमें हम सबको पवित्रता से स्नेह है। जब हम बाबा के पास आए तो हमने समझा कि पवित्रता क्या है, और फिर हम ये जानते हैं कि हमें बनना है पवित्र, फिर सतो प्रधान और उसके साथ साथ पावन भी बनना है। बाबा कहते हैं कि पावन का अर्थ है कि जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। लेकिन इस समय तत्व सतोगुणी नहीं है, तत्व तो तमोगुणी है। तो ये जो शरीर है ये भी तत्वों का बना है जो पवित्र नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम चाहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हों, तो हमें कुछ मर्यादाओं पर चलना होता है। मर्यादा कोई हमारे को रोक नहीं होती, मर्यादा ही सिर्फ नियम नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही पवित्र रॉयल तरीका है अपने आप से जुड़ने का। आप में से कितनों ने ये अनुभव किया होगा कि हर परिवार का कोई ना कोई मर्यादाएं होती हैं हर एक चीज के लिए। और जो अच्छे बच्चे या कार्य बच्चे होते हैं जो इकट्ठे रहना चाहते हैं परिवार के साथ, हमेशा उन मर्यादाओं को पर चलते हैं। तो हर परिवार जो है वो एक अलग तरह का मर्यादाएं रखती हैं। तो कई जगहों पर कई परिवार में आप देखेंगे
कि जब वे बात करते हैं वो बहुत तेज या कोई ऐसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो जो जो बहुत सम्मानित नहीं हो। लेकिन मुझे याद है और कोई आप में से भी जानेंगे जानते होंगे कि एक तो होता है कि हम मर्यादाओं पर चलते हैं सम्मान के साथ जिसे हम कहते हैं, एक होता है कि स्वमान और एक होता है अपने शरीर को सम्मान देना और हर एक को सम्मान देना। तो जब आप सम्मान देते हैं तो वो सही में शुरू होता है सबसे पहले आपके संकल्पों द्वारा। हाँ जरूर से पहले होता है सम्मान क्योंकि हम सर्व आत्माएं हैं। और अब हमने समझा है कि हम देवता बन रहे हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो हम बहुत भावना के साथ करते हैं भक्ति, हम बहुत सम्मान के साथ आदर के साथ करते हैं चाहे हम झुकते हैं या भक्ति करते हैं। तो अगर हम देखें सर्व आत्माओं को जैसे कि बाबा जो हमें बना रहे हैं तो हम सारे बन रहे हैं पावन यानी कि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र देवताएं पूजनीय। तो जो सम्मान है वो सिर्फ जैसे कि मैंने कहा कि बाह्य रूप से नहीं है लेकिन मेरे दिल से है हर एक के प्रति देखते हुए हर एक को। तो वो संस्कृति थी जो दादियों ने रखी। मुझे लगता है कि कईयों में से आपने देखा होगा कई दादियों को देखा होगा जब वो एक दूसरे से मिलते थे बहुत बहुत स्नेह बहुत भावना के साथ और आप देख सकते हैं वो कैसे एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान देते थे। मेरे लिए तो खास करके कि मैंने क्या सीखा अपने लौकिक जीवन में लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई जब टीनेजर थी दादियों के साथ मैंने देखा कि कैसे वो एक दूसरे को इतना सम्मान देते थे। और ये भी है कि मर्यादाओं में एक कि हम जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो अंदर में वो रूहानी स्नेह वो दोस्ती और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि हम सारे इकट्ठे होंगे हर जन्म। तो हमारे जो संबंध होते हैं ख्याल रखने के। मुझे पता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अपने संकल्पों से शुरू करते हुए आत्मिक स्मृति में वो जो रॉयल्टी है और फिर उसके बाद जरूर से हमारी दृष्टि को रूहानी स्नेह से भरी हो और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मेरी भावना के कारण और आत्माओं को भी महसूसता होगी वो अपनेपन की और समीपता की और हमारे शब्दों को भी हमारे शब्द भी बहुत बहुत सम्मान भरे हों। मामा हमें बताते थे जो आपसे बड़े हैं आपको उनको सम्मान देना है और जो आपसे छोटे हैं तो उनके लिए बहुत स्नेह रखना है लेकिन उसके साथ साथ उनका सम्मान भी देना है उनको। अगर मैं सम्मान देती हूँ मुझे क्या मिलता है वापसी में सम्मान मिलता है। मुझे पता है इतने इतने आत्माएं जिनके साथ मैंने काम किया है परिवार के अंदर
जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी वो सोचते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मेरी मर्यादा क्या है। मैं अपनी मर्यादा के लकीर को नहीं पार कर सकती। तो ये भी दीदी मनमोहिनी का ये पार्ट था कि जो कुछ भी अच्छा है आप करें, और हमेशा ये नहीं सोचे कि मैं तो उनके साथ इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इसके साथ इतनी अच्छे व्यवहार करती हूँ, लेकिन ये तो मेरे साथ नहीं करते। तो वो कहते थे कि आप अच्छाई जमा करते हैं। और फिर एक कहावत है कि कर भला ओ कि अच्छा करके उसे उसे सागर में बहा दो, यानी कि उसको सोचो मत, वो चला गया, वो आपके खाते में चला गया, वो आपकी पर्सनालिटी में आ गया, आपके संस्कार में आ गया। कई बार कहते हैं कि किसी ने तो मुझे देखा नहीं, वो व्यक्ति ने तो कोई रिस्पॉन्स जो मैंने किया वैसा नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बनना है जैसे वो गीत है, मीठा और प्यारा और भोला भी, हमारे भोलानाथ बाबा की तरह, जो भोलानाथ है। तो एक दूसरे के साथ व्यवहार भी प्यार भरा हो, ख्याल रखने वाला हो, एक दूसरे के साथ बांटने वाला हो। आप जानते हैं कि जब दादी जानकी, जब उनसे पूछा गया, बाबा ने उनसे पूछा जब वो आई, तो आप जानते हैं कि जैसे उन्होंने और दादियों की तरह सोचा कि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो टीनेजर बच्चों का ख्याल रख रहे थे जो 13 साल से 19 साल तक के बच्चे थे, लेकिन बाबा ने कहा कि आपको तो नर्स बनना है, और उन्होंने उसको स्वीकार किया क्योंकि बाबा ने कहा था। तो वो सही में इतना ख्याल रखने लग गई सबका नर्स बनने के बाद। सिर्फ वही नहीं, लेकिन एक जो उसका एक जो कल्याण हुआ कि उनको बाबा के साथ उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेने पड़ते थे, तो वो किसी भी समय चले जाते थे, क्योंकि उन्हें जो उन्हें पेशेंट है उसकी समाचार देना होता था बाबा को, कि बाबा जानना चाहते थे कि जो मरीज है वो अच्छा हो रहा है। तो उनका जो समीपता थी बाबा के साथ, वो इसलिए क्योंकि वो नर्स के रूप में सेवा कर रही थी। लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा पार्ट नहीं है। और वो सही में उन्होंने इतने सुंदर रीति से सेवा करी, बहुत ही पोषण करने वाली, बहुत ध्यान रखने वाली। सिर्फ इससे उन्होंने सीखा ही नहीं बहुत, लेकिन उन्होंने कितनों के दिल भी जीते, क्योंकि वो भी बहुत समीप आ जाते थे ना। तो ये जो नम्रता भी है, ये जैसे कि जिसे मैं कहती हूँ मर्यादा है, ये हमारे संबंधों में एक मूल्य है। तो एक दूसरे से के साथ व्यवहार ऐसा हो कि मुझे बीज बोना है, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे प्रतिक्रिया में नहीं जाना, क्यों जाना है मुझे। तो अगर हम मर्यादाओं में जाए, समय टाइम टेबल में जाए समय पर, तो दादियां इतनी यथार्थ, इतनी एक्यूरेट होती थी हर एक चीज के लिए, चाहे उन्हें अमृत वेला के समय उठना हो, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, रात्रि के क्लास, चार्ट रखने में। तो ये सही में बहुत बहुत अच्छा होता था देखना कि कैसे जो जीवन वो ऐसे बटा हुआ था, क्योंकि इन दिनों हमें तो पता नहीं है कि कैसे हम अपना समय बिता रहे हैं ना, पता नहीं होता हमें। हाँ, हम उसको व्यर्थ तो नहीं गवा रहे, लेकिन करते समय भी। तो इसलिए मैंने देखा कि तो उनका अच्छा
था योग, जैसे कि आपने दीदी से सुना कि वो कर्म योगी थे, क्योंकि बड़ा परिवार था, 300 लोग थे, तो हर एक को खाना भोजन बनाने में, सफाई करने में, धोने कपड़े धोने में, इन दिनों मधुबन में तो इतने सारे सेवाधारी होते हैं, बहुत सारे काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन उन दिनों पे नहीं थे, उनको सब कुछ करना होता था। तो इसका अर्थ है कि ये जो पूरी चीज है कि परमात्म परिवार में होना, क्योंकि मैं देखती हूं कि जब आप सोचते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के, और फिर संगम युग पर स्नेह सम्मान ख्याल रखना, और जहां पर भी जो कुछ भी जरूरी है, अगर मैं उसके लिए हाजिर हूं, जिससे कि आराम आ सकता है, जिससे खुशी आ सकती है, जिससे अपनेपन की भावना आ सकती है, क्योंकि अंदर से हर आत्मा, कई बार उनको भी नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, लेकिन जब उनको मिलता है तो उनको कहते हैं कि इससे मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मुझे चाहिए था। तो हमेशा याद दिलाना अपने आप को कि हम रॉयल परिवार के हैं, हम देवताई रॉयल परिवार के हैं, जहां पर जब ये आता है, जब स्नेह, इतना स्नेह है जो अलौकिक है ना, जो अब हम कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ साकारी रूप से भी हर एक चीज के लिए, तो हर एक चीज के लिए इतनी मर्यादाएं हैं ना, क्या हम पहनते हैं, आपकी क्या ड्रेस है, वो भी उसकी भी मर्यादा है, आप क्या खाते हैं भोजन में, कैसे भोजन करते हैं, उसकी भी मर्यादा है। तो हमने चलते वक्त तो कभी नहीं भोजन किया होगा, खाते वक्त नहीं भोजन करते हैं, हम हमेशा बैठते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं प्रेम के साथ, और फिर उसके बाद भोजन करते हैं। लेकिन इस समय था, मैं देखती हूँ कितने सारे लोगों को, वो चलते हैं और फिर भोजन करते हैं, बात करते हैं, भोजन करते हैं। तो कोई, जैसे कि हम इसको जैसे नियम कह सकते हैं या मर्यादाएं कह सकते हैं, हाँ जरूर से ये चाहिए, ताकि हम अंदर में बहुत अच्छा महसूस करें, और अपने स्वमान में भी। तो चाहे मैं ये सोचूं कि ये रूहानी स्नेह है, या मैं कहूं ये परमात्म परिवार के बारे में सोचूं, चाहे मैं देवताई परिवार के बारे में सोचूं, या रूहानी परिवार जो इस समय पर परमात्म परिवार है इस समय, या देवताई परिवार है, तो हमने कुछ चीजें सीखी हैं अपने लौकिक परिवार से, कोई चीजें सीखे हैं, लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं, तो हर एक का कोई ना कोई रूहानी महत्व है, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारे कुछ जो परंपराएं होती हैं वो भी अच्छी होती है ना, जैसे टोली देना, गिफ्ट लेना, तो कोई कुछ ब्राह्मण के भी कुछ परंपराएं हैं जो अच्छी हैं, क्योंकि हमने देखा है मधुबन में कैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया, 300, 3,000, और अब कितनी बार, कई बार कितने होते हैं, कितने 100,000, 1,00,000 के, 30,000 एक बारी, और फिर कितनी बारी। तो जो सुंदरता है ये पवित्रता की, जो मर्यादाओं के रूप में है, वो सही में वंडरफुल है, जब लौकिक और जब बाकी अन्य लोग उसको देखते हैं, तो उनको तुरंत ही पता लग जाता है कि ये रॉयल है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि हमें
हमें उसके अहंकार है कोई चीज का, हम निर्माण हैं, सम्मान देते हैं और उसके साथ निरंतर हम बांटने के लिए तैयार हैं जो कुछ भी अन्य आत्माओं की जरूरत है। मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को, मैंने मम्मा को देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, दीदी मनमोहिनी को देखा, वो सारे आप उनको देखें और आप उनको कह सकते हैं वो कितने स्नेही हैं और कितने पवित्र हैं और कितना वो ख्याल रखने वाले हैं एक दूसरे का। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि ये कुछ कई कईयों को मर्यादा ऐसे दिखते हैं कि हम ये रोक है, जैसे हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको देखती हूँ कि वो हमारे मर्यादाएं हैं जो बहुत ही अलौकिक है। और ये बहुत ही सुंदर है, जैसे कि एक सामाजिक आचार है मर्यादाएं। ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं तो अब हम अपने प्यारे गायत्री सिस्टर, फरिश्ता गायत्री सिस्टर को बुलाएंगे, वो हमारी दीदी के बारे में और हमें सुनाएंगे। ओम शांति हर एक को। मैं आशा करती हूँ कि आपने आनंद लिया होगा आज के दिन का श्रीमद पर चलते हुए और कर्मयोग करते हुए। तो कल की तैयारी के लिए तो हम देखेंगे हमारी अलौकिकता की स्मृति को और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप को। लेकिन हमको ये समझने के लिए कि कैसे स्मृति स्वरूप में रहना है, हम देखेंगे दीदी के जीवन को देखेंगे और कैसे वो स्मृति स्वरूप में रह पाए उसकी स्थिति में। तो दीदी जी की जो पवित्रता थी वो उनके स्वरूप में दिखती थी। तो ये शब्द जो है अलौकिकता, जो मैं कहूंगी एक एक सुंदरता है, तो ये सुंदरता थी उनकी मर्यादाओं की, उनकी शान की। तो ये बहुत ही सूक्ष्म था। तो दीदी जी ने बाप दादा के उंगली पकड़ के हर कदम पर आगे बढ़ी, मर्यादाओं पर आगे चली उनके साथ के साथ। एक एक मर्यादा ने एक जैसे कि एक चमक लेके आई जो उनके अंदर खोजी, उनके अंदर की चमक। तो उनके व्यवहार में रूहानी चमक आए, उनकी भाषा में और उसके साथ साथ उनके मैनर्स में भी। तो उन्होंने अपने आप को दिव्यता के साथ चलाया। वो बहुत ही ग्रेसफुल थे, बहुत ही निर्मल थे, नेक दिल थे और उसके साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। तो उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो सुंदरता थी बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सूक्ष्म। बाप दादा दीदी जी से बात करते हुए जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बात करी और उन्होंने उनको बोला आप वो विशेष वारिस हो जिनका तत्त्वम के वरदान का अधिकारी हो, बाप समान भाव, तत्त्वम बाप समान भाव। इस वरदान को निरंतर अपनी स्मृति में रखना अर्थात एक शक्तिशाली आत्मा बनना। जैसे आप बाप को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते थे अपने हर कर्म में, उसी रीति जब आप इस वरदान की स्मृति में रहते हैं बाप समान भाव, ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होंगे आपके हर कर्म में। अमृत वेले से बहुत सारी परमात्म मर्यादाएं हैं और एक एक मर्यादा के लिए
बहुत सारे मार्क्स होते हैं प्राप्ति के, तो आप सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो, और श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हीरो आत्मा आप वो हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वो जो सबसे श्रेष्ठ मर्यादाओं पर चलते हैं और जो मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं। दीदी जी का ध्यान हमेशा स्व उन्नति की ओर था, तो इससे वो उस मर्यादा की सुरक्षित लकीर के अंदर रहे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, शुक्ला बहन जो हरिनगर सेंटर दिल्ली के हैं, उनके अनुभव दीदी के साथ के, और वो बताते हैं कि कैसे दीदी ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला। उन्होंने कहा, जब मैंने दीदी जी को पहली बार देखा तो मैं देख सकती थी अलौकिक वायुमंडल उनके चारों ओर, और उनकी पवित्रता मेरे अंदर उसने एक घर कर दिया इस रीति से कि आज भी मुझे वो घड़ियां याद हैं। दीदी जी ने बहुत ध्यान दिया अपने रोज की दिनचर्या पे, जो उनका टाइम टेबल था यज्ञ का, और उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया यज्ञ वासियों को, जो भाई और बहने थे यज्ञ के, उनकी स्व उन्नति के प्रति। दीदी जी ने बहुत बहुत ध्यान दिया अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के ऊपर भी, उनका ध्यान हमेशा इस पर होता था कि कैसे अपने अंदर की स्थिति को श्रेष्ठ और महान बना जाए, और कैसे हम अपने जीवन को रूहानी लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। उनकी ये बहुत ही पवित्र आज थे कि हर भाई और बहन परमात्म मर्यादाओं के अनुसार चले। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका चलना और उनके संबंध। जब ये यज्ञ की मर्यादाओं की बात आई, तो ये हमेशा मैं पहले, दीदी जी के लिए हमेशा था मैं पहले मैं। तो ये लक्ष्य अपने सामने रखकर, तो वो हमेशा बहुत ही नियमित हर रूल को चलने में अपने उदाहरण द्वारा हर एक को पढ़ाते थे कि रूल के अनुसार चलने में। दीदी जी तीन प्रश्न पूछते थे जब भी वो हमारे भले का पूछते थे कि हम कैसे हैं। पहला, क्या आप आज किस समय उठे? दूसरा, कितनी देर तक आप अपने अमृत वेला योग में रहे? और तीसरा प्रश्न, आप कहाँ उस योग के लिए कहाँ बैठे थे? तो हमारे उत्तर से दीदी जान जाती थी कि हमारी अंदर की स्थिति कैसे है। तो आप जानते हैं कि दीदी कितना स्मार्ट थे। तो शुक्ला बहन, उन्होंने हमें बताया, एक कहानी बताई। तो ये कहानी के साथ मुझे लगता है कि आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। तो उन्होंने आगे बताया कि कैसे बाबा का कमरा है हर सेंटर में और हर घर में। तो मैं ये आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि ये मर्यादाओं से जुड़ा है। क्योंकि जैसे सिस्टर मोहिनी ने बताया कि मर्यादाएं जुड़ी हैं एक परमात्म की, जैसे संस्कृति होती है, जो परिवार एक रखता है एक मर्यादाएं, और उस पर चलते हैं। और अगर कोई बड़ा होता है घर में, तो वो जो मर्यादाएं होती हैं वो एक बहुत ही ध्यान से उस पर चला जाता है। तो जो मर्यादाएं हैं, जो जिन पर हम चलते हैं, जब बाबा घर में होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक दादी जानकी के रूप से। तो ये पार्ट है कि कैसे बाबा का कमरा हर घर में आया और हर सेंटर पर भी आया। तो ये उसकी कहानी है। तो दीदी जी एक फॉरेन टूर पे गए, लंदन गए, और उन्होंने बहुत सारी जगहें दादी जानकी के साथ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि जो बीके परिवार के घर थे वो छोटे थे, और चाहे उनका
अपने लिए कमरा भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने एक कमरा या एक जगह बनाई थी बाबा के लिए। तो ऐसे लंदन में ऐसे ही सेवाएं शुरू हुई, जैसे कि परिवारों के घर से। तो ये देखते हुए दीदी जी बहुत ही उनको प्रेरणा हुई और उन्होंने ये निर्णय किया कि वो ये भारत में भी करेंगे। तो जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने एक लहर उन्होंने चलाई कि हर सेंटर पर एक बाबा का कमरा होना चाहिए। तो अगर सेंटर सेंटर नहीं होगा जहाँ पर बाबा का कमरा नहीं होगा, तो मैं पटेल नगर में एक सेंटर में रहती थी, तो एक अच्छा सेंटर था लेकिन छोटा था। तो उसका क्लासरूम अच्छा था लेकिन लेकिन वो एल शेप का था। तो दीदी जी इतना उन्होंने मुझे इतने स्नेह के साथ बोला, शुक्ला इस एक साइड जो एल शेप का क्लासरूम है यहाँ पर एक कमरा बनाए बाबा के लिए। और दीदी जी की जैसे हमें बताया, मैंने एक छोटा सा कमरा बाबा के लिए बनाया और वो इतना अच्छा बन गया। और जब मैंने दीदी जी को बताया इसके बारे में और वो इतने खुश हुए और वो उसका उद्घाटन करने के लिए आए उस कमरे के, बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने हर एक को बताया कि सेंटर तभी उन्नति कर सकता है और सेवाएं तभी बढ़ सकती हैं जब सेंटर में एक बाबा का कमरा हो। तो अब हम सुनते हैं दीदी जी की मीठे शब्दों को जो ज्ञान के। दीदी मनमोहिनी ओम शांति का महामंत्र बोलिए, हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। ओम शांति, द स्वीट वर्ड्स ऑफ ओम शांति रिमाइंड अस ऑफ बिलवेड बाप दादा सुप्रीम वर्जन्स। तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपनी स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। सो बिकम सीटेड ऑन द इमोर्टल थ्रोन, कैच होल्ड ऑफ योर स्टेज ऑफ योर ओरिजिनल रिलीजन, सो देन एज इज योर एटीट्यूड सो विल बी योर विजन एंड देन सो विल बी योर स्टेज। बोलो वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसी समझ रहे हैं, तो आज तो जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं। सो टेल मी बिलवेड बाप दादाज लिविंग फ्लावर्स, टुडे आई हैव द फीलिंग एज इफ आई एम वॉकिंग अराउंड अ लिविंग फ्लावर गार्डन। सामने हरियाली देख बड़ी दिल खुश होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। आई एम सीइंग द ग्रीनरी इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ फ्लावर्स। तो ऐसे नहीं सिर्फ बोल बोलते हैं, परंतु ऐसे महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के से डायरेक्ट दिव्य जन्म ले, दिव्य गुण धारण करके अब दिव्य कर्तव्य पर उपस्थित। इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट स्पीकिंग दीज वर्ड्स, बट आई हैव द फीलिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव टेकन अ डिवाइन बर्थ थ्रू बिलवड बाप दादा एंड यू आर एंगेज्ड इन इम्बाइबिंग डिवाइन वर्च्यूज एंड कैरिंग आउट हिज डिवाइन टास्क। शिव बाबा याद है, सो विद दोज स्वीट वर्ड्स लेट्स टेक तो इट। वो मीठे बोल थे,
उसे हम अपने होमवर्क में लेके जाएंगे। तो होमवर्क है, अमृत वेला का पॉइंट है, हम देखेंगे तत्त्वम, बाप समान भाव, बाबा समान भाव। मेरी स्मृति है अलौकिकता, वो सुंदरता, और मेरा स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो जो परमात्म मर्यादाओं पर चलते हैं। और फिर उसके बाद पूरे दिन में हम वही करेंगे जो दीदी ने किया। हम आइए टहलते हैं चैतन्य फूलों के बगीचे में। मैं अनुभव कर रही हूँ वो खुशबू, भिन्न भिन्न आत्माओं के जो फूलों समान है। दूसरे शब्दों में हम अनुभव करेंगे उनके गुणों को, उनके गुणों की खुशबू को पूरे दिन में। कल हर आत्मा के जिसको भी मैं देखती हूँ इस चैतन्य फूलों के बगीचे में। और उसके बाद रात को अपने चिंतन के लिए हम देखेंगे इस मर्यादाओं को कि सिर्फ औरों में गुण देखने के, इस चैतन्य बगीचे में कि हर आत्मा में वो गुण है और उसके उन गुणों की खुशबू लेते हुए तो हम देखेंगे वो मर्यादा को। मेरी अपनी अलौकिक सुंदरता, मेरी अपनी अलौकिकता में क्या समाया हुआ था जब मैं ये बाबा के चैतन्य फूलों के बगीचे को देखूंगी। तो ये हमारा कल का चिंतन होगा, लेकिन आज रात के लिए क्या है आपका चिंतन? जो हमें साकार बाबा ने पालना दी, हमें अव्यक्त बाबा ने, बाप दादा ने इतनी प्रेरणा दी, तो मैं बाबा को रिटर्न में क्या दे रही हूँ? तो ये आज हमारे रात का चिंतन है। तो अब हम जब समाप्त करते हुए अब हम इकट्ठे जाएंगे ये संगठित योग में और हम अनुभव करेंगे स्मृति स्वरूप, इस स्मृति में, सिर्फ स्मृति और स्वरूप नहीं लेकिन उसके साथ साथ हम दीदी को अपने सामने रखेंगे जैसे दीदी जी ने किया, अलौकिकता और मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप। स्मृति अलौकिकता की और मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। The aim that I am very close to Baba and now I simply have to become complete. वो कोई देरी नहीं है, एक कदम समीप और दूसरा कदम कौन सा? समान बनना है. This is not so far away. One step is being close and the next step is that of becoming
equal to him. Samjha, to kabhi bhi na dil shikast hona hai, na kab apne umeed se buddhi ko hatana hai, ne umeedwar phoolo. And so, do you understand? Never become those who are disheartened. Be the flowers who always have hope. Umeed kya practical baba ke ho. To practical samjhenge, to aapko practical sab, jaise ki kaary bhi baba karai denga. Not just hope, but let that experience be very practical. When you have that practical feeling, Baba will enable that to happen. ओम शांति. सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर शांति. हम अपने साइलेंस जारी रखेंगे. हम दीदी से दृष्टि लेंगे और सबको याद दिलाते हुए कल है सैटरडे तो हमारा वही स्केड्यूल रहेगा और मोहिनी दीदी अव्यक्त हिंदी मुरली पढ़ेंगे सुबह में 7 से 8:30. अमृत वेला 3:30 से 5:45 बजे तक. योग 6 से 7 बजे तक और अव्यक्त मुरली रहेगी 7 बजे और बच्चों का क्लास रहेगा 2 से 3:30 बजे तक.